आजीविका एवं कौशल विकास मेले के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान झारखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी, झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री नीलकंठ जी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सचिव आदरणीय अमरनाथ सिन्हा साहब, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय त्रिपाठी जी, महापौर जी संजय सेठ साहब, अटल डुल्लू साहब, कामराज जी और इस मौके पर उपस्थित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण और इस मेले में उपस्थित आजीविका समूह की बहनें और कौशल उन्नयन के क्षेत्र में कौशल प्राप्त सभी बहनों और भाइयों, आज ग्राम स्वराज अभियान के समारोह का अवसर है। ग्राम स्वराज अभियान 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आरंभ हुआ था। तब से लेकर लगातार इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं, निरंतर लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस दिशा में सक्रिय रूप से अभियान को सफलता के सोपान तक पहुंचाने में काम कर रही है। आज समारोह का अवसर है। समारोह का स्थान झारखंड में रांची तय हुआ। पहले तो प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी वो झारखंड आए, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण उनकी अनुपस्थिति में यह कार्यक्रम हम सब लोग संपन्न कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की आयोजना जिस प्रकार से की है वह निश्चित रूप से बहुत ही अनुकरणीय और सबको प्रसन्न करने वाली है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को, नीलकंठ जी को और झारखंड सरकार की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट इस अवसर पर करना चाहता हूं। आजीविका और कौशल के क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों और बहनों के अनुभव यहां पर बैठे हुए सभी लोगों ने सुने होंगे। मैं भी उन्हें सुन रहा था और जब सुन रहा था और इतने बड़े समूह को देख रहा था तो मुझे यह विश्वास हो चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक जिस नए भारत की कल्पना की है उस नए भारत का बीजारोपण आजीविका समूह की महिलाएं और कौशल प्राप्त भाइयों और बहनों ने प्रारंभ कर दिया है। आप किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि आने वाले कल में न्यू भारत के इस विकास को कोई भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। आजीविका समूह के क्षेत्र में पूरे देश में काम हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
सारे देश में राज्य सरकारों से मिलकर 40 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों पर काम कर रहा है। 4 करोड़ से अधिक बहने इस कार्य में संलग्न है और अपने अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से, रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से, बैंक से पैसा लेकर इस प्रकार का काम कर रही हैं कि ईमानदारी से कोई उनके काम को देखे तो उनकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यह काम गति से देश भर में बढ़ता जा रहा है और भारत सरकार का लक्ष्य है आने वाले कल में 8 से लेकर 10 करोड़ तक बहनों को आजीविका के इस काम से जोड़ना है, जिससे निश्चित रूप से नए भारत की बुनियाद मजबूत हो। पिछले 4-4.5 वर्षों में 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक क्रेडिट मोबिलाइजेशन स्व सहायता समूहों को हुआ है और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आज बहुत सारे बड़े लोगों को लाखों करोड़ रुपए का लोन मिलता है, वो अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं, लेकिन वो बैंक को पैसा उतना जमा नहीं कर रहे। लेकिन स्व सहायता समूह की बहन कर्ज लेती है और ईमानदारी के साथ जमा करती है। स्व सहायता समूह में एनपीए का रेट मात्र 2.33% है। यह भी निश्चित रूप से आंकड़ा हम सबको आश्चर्यचकित करने वाला है। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में डीडीयू जीकेवाई एक ऐसा ब्रांड बनता जा रहा है कि आज राजधानी दिल्ली में भी किसी होटल में चले जाओ, किसी अस्पताल में चले जाओ, हर आदमी गर्व से काम करता हुआ कहता है कि मैं डीडीयू जीकेवाई का छात्र रहा हूं, वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी आजीविका कमा रहा हूं। और आज आप सब ने स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करने वाले हमारे तमाम सारे नौजवानों को देखा जो अपने अनुभव आप सबके साथ साझा कर रहे थे। गत 4.5 वर्ष में 5,70,000 प्रशिक्षार्थियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया और 3,48,000 बच्चों को रोजगार प्राप्त हुआ है। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। आज ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, जिनके 18 भवनों का लोकार्पण यहाँ पर हुआ है, 31 बैंकों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार मिलकर इन संस्थानों का संचालन कर रहा है। विगत वर्षों में इन संस्थानों के माध्यम से भी लगभग 16 लाख लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और 12 लाख से अधिक लोगों ने अपना स्वरोजगार स्थापित किया है। यह समय की आवश्यकता को और सिद्धि भी पूरा कर रहा है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। झारखंड के क्षेत्र में जब हम विचार करते हैं तो आजीविका समूह उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं, नए नए उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। झारखंड सरकार उनको मार्केटिंग ठीक प्रकार से हो सके इसके लिए साधन और सहयोग उपलब्ध करा रही है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि झारखंड हमारा राज्य है, झारखंड गरीब राज्य है और गरीबी से लड़ना यह हमारी सरकार का पहला लक्ष्य है। और गरीबी से जूझते हुए गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाना, उसके लिए आजीविका समूह यह अपने आप में देश का सबसे बड़ा मंच है, जिसके माध्यम से आम गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया जा सकता है। झारखंड सरकार भारत सरकार की अपेक्षा के अनुरूप इस दिशा में सफलतापूर्वक काम कर रही है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। श्री रघुवर दास जी देश के यशस्वी नेता हैं, हम लोग एक साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला है तब से झारखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हो, झारखंड राज्य की गरीबी उन्मूलित हो,
झारखंड राज्य के नौजवानों को रोजगार प्राप्त हो, झारखंड राज्य में अधोसंरचना विकसित हो, इस काम के लिए वो प्राण पण से लगे हुए हैं। मुझे कहते हुए गर्व और प्रसन्नता भी है, इस वर्ष झारखंड राज्य का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लक्ष्य 1700 बस अड्डों को जोड़ने का था, लेकिन झारखंड राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी पूरी टीम ने लक्ष्य से अधिक 1712 बस अड्डों को जोड़कर निश्चित रूप से एक अच्छा काम किया है। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 5 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य झारखंड का है। 1,76,000 मकान बनाकर गरीब लोगों को झारखंड सरकार ने प्रदान किए हैं। मनरेगा के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में 3,300 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने झारखंड को प्रदान किया। झारखंड सरकार ने उसका सदुपयोग कैसे हो सकता है, इस मामले में एडवांस प्लानिंग की और उसी का परिणाम है डोबा जैसी योजनाएं यहाँ पर आई और जल संरक्षण का बहुत बड़ा काम रघुवर दास जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार करने में सफल हुई है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप बहुत तेजी के साथ काम करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और उनकी ताकत आपके साथ है और जिस वक्त भी जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास के काम में आगे खड़ी रहेगी। पैसे की कोई कमी झारखंड को नहीं आने दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले कल में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड में आमूल चूल परिवर्तन होगा। झारखंड इस देश के विकसित राज्यों की अग्रपात में खड़ा होने की सफलता प्राप्त करने में सफल होगा। इस अवसर पर पुनः झारखंड सरकार की सारी टीम को इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत।